देखिए देव शनि एकादशी के बारे में तो आपने जाना, लेकिन कब तक ये चलता है ये आपको बता देते हैं। ये 148 दिन होंगे जिसमें कोई मंगलकारी यानी कि शुभ कार्य, शादी विवाह से लेकर गृह प्रवेश, ये सारी चीजें नहीं होंगी, वर्जित है इसमें। और ये सिलसिला कार्तिक महीने के देव प्रबोधिनी एकादशी तक चलेगा। और ये खास माने गए 4 महीने, और इन महीनों में क्या कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। आइए देखते हैं। हमारी मान्यताओं और हमारी आस्था का विस्तार ही है जो हमें हमारी परंपराओं की डोर से बांधे हुए है। हिंदू मान्यताओं में कुछ दिन उत्सव के होते हैं, कुछ दिन व्रत के होते हैं, कुछ दिन शुभ कामों के लिए रखे गए हैं, तो कुछ समय के लिए शुभ कामों की शुरुआत करने की मनाही रहती है। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक 4 महीने ऐसे होते हैं जब कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते। चातुर्मास जो है ये शुरू होता है देव शयनी एकादशी के साथ, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को शुरू होता है, और देवोत्थान एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी को समाप्त होता है। इस बीच में मोटे तौर से 4 महीने पड़ते हैं, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, और लगभग 5 दिन या 4 दिन पड़ते हैं आषाढ़ के, तो इसको ही चातुर्मास कहा जाता है, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक को। और इसको बहुत पवित्र समय माना जाता है, जप, तप, ध्यान, दान, इसके लिए चातुर्मास बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। सनातन परंपरा में शुभ अशुभ मुहूर्त का अपना ही शास्त्र है और उसके पीछे तर्क शास्त्र की लंबी श्रृंखला भी है। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी से श्री हरि योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और सृष्टि के संचालन का काम भगवान शिव के हाथों में आ जाता है। इसी वजह से 4 महीनों तक बम बम भोले की गूंज सुनाई देती है। शिव के साथ इन 4 माह में भगवान कृष्ण, माता तुलसी और पितरों की पूजा का भी योग रहता है। हिंदू परंपराओं में शुभ मुहूर्त का बड़ा महत्व माना गया है। हर कार्य में भगवान की भागीदारी रहे, इसके लिए देवताओं का आह्वान होता है, लेकिन साल में 148 दिनों के चतुर्मास की मान्यताएं बिल्कुल अलग होती हैं। कहते हैं ये वक्त भगवान के विश्राम का होता है, लिहाजा किसी भी शुभ कार्य से परहेज किया जाता है। चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, यानी भगवान विष्णु की उपस्थिति पृथ्वी पर और उसके कार्यों में नहीं रहती। अब चूंकि भगवान विष्णु पालनहार हैं और उनकी उपस्थिति नहीं होती या वो योग निद्रा में होते हैं, इसीलिए जब तक देवोत्थान नहीं होता, चातुर्मास खत्म नहीं होता, तब तक शुभ कार्य नहीं किए जा सकते। कहते हैं कर्म का मर्म हमारे मन से जुड़ता है, पर हमारा मन ही हमारे विचार और हमारे आहार पर निर्भर करता है। यही वजह है कि चातुर्मास के दिनों में खाने पीने की मान्यताएं भी बाकी दिनों से अलग होती हैं। आयुर्वेद के हिसाब से जो हिंदू कैलेंडर है उसके हर महीने में क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे इसके नियम बताए गए हैं। जैसे चातुर्मास का पहला महीना है श्रावण यानी सावन, इसमें साग मत खाइएगा, शाक जिसको कहते हैं, लीफी वेजिटेबल्स मत खाइएगा सावन के महीने में। भाद्रपद के महीने में दही का प्रयोग करना वर्जित होता है, भाद्रपद में दही का सेवन मत करिएगा। आश्विन के महीने में दूध का सेवन मना होता है, दूध का परित्याग आश्विन के महीने में करना चाहिए। और कार्तिक के महीने में द्विदल वर्जन होता है, यानी दाल का प्रयोग आपको नहीं करना है कार्तिक के महीने में।
चातुर्मास में शुभ कार्यों से परहेज का भले ही अपना विज्ञान हो, लेकिन हिंदू मान्यताओं में ये चार महीने सबसे ज्यादा पवित्र माने गए हैं। समझ लीजिए कि ये चार महीने मन के संतुलन के लिए हैं। इन चार महीनों में एक भगवान शिव की उपासना के लिए भी है। चातुर्मास में एक महीना कृष्ण की कृपा पाने का है और चार माह में ही एक महीना देवी की उपासना का भी है। और तो और इन्हीं चार महीनों में वो कार्तिक महीना भी आता है जो भगवान विष्णु के जागरण के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।